करो। नमस्कार, मैं लोकेश कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, प्रारंभ कॉलेज, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन। आज अपने कॉलेज में पढ़ने वाले 18 भिन्न भिन्न राज्यों के बच्चों से मुखातिब हूँ एक ऐसी समस्या को लेकर के जिसने आज एक महामारी का रूप ले लिया है, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, कोरोना बीमारी जो है पूरे विश्व में फैली हुई है आज, जिसकी वजह से 75,000 के आसपास लोग मौत का शिकार हो चुके हैं और 90 से ज़्यादा देशों में इस समय लॉकडाउन है। 450 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समय अपने घरों में कैद हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, यह बीमारी चीन के वुहान से फैली थी और चीन के वुहान से होती होती ये जो है ईरान के तेहरान, वहाँ से फिर ये इटली, फिर वहाँ से स्पेन, फिर इंग्लैंड, सारा समूचा यूरोप इसने अपने जाल में फंसा लिया। अब अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी बुरे तरीके से फैल चुकी है। इस महामारी पर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करना बहुत जरूरी है। जैसा कि स्टूडेंट्स, आपको पता है, कोरोना असल में वास्तव में कोई नई बीमारी नहीं है। कोरोना वायरस कोई नया नहीं है, कोरोना वायरस तो पुराना है, लेकिन इसका जो इससे होने वाली जो डिजीज है जिसे COVID-19 कहते हैं, असल में ये बीमारी नहीं है। अगर आप 10+2 की किताब, बायोलॉजी की पुस्तक उठा के देखें तो उसके पेज नंबर 166 पे कॉमन कोल्ड करके एक चैप्टर है, उसमें राइनो वायरस और कोरोना वायरस के बारे में बता रखा है। ये अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन से संबंधित है, लेकिन अभी जो ये WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे COVID-19 नाम दिया है। तो ये COVID-19 नाम जो है एक नया है, इससे इसके जो सिम्टम्स हैं इस बीमारी के वो नए नए देखने में आ रहे हैं। एक नई शोध से पता चला है कि अभी कुछ कोरोना के पेशेंट्स को जो है अपना नाम बताने में भी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए ये जो है इस बीमारी से संबंधित मुझे लगता है कि चर्चा करना आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का मतलब होता है क्राउन, क्राउन यानी ताज। तो जब आपने देखा होगा कि आपने सोलर एक्लिप्स के बारे में सुना होगा, सूर्य ग्रहण के बारे में, तो जब सूर्य ग्रहण की शोध किया गया सूर्य ग्रहण पे, तो ऐसा माना गया कि उसमें ऐसी संरचना होती है जो मुकुट जैसी होती है, जो क्राउन जैसी होती है। ठीक वैसी ही संरचना जब माइक्रोस्कोप के नीचे कोरोना के वायरस को देखा गया तो उस पर भी वही जो है सोलर एक्लिप वाली एक संरचना दिखाई दी जो क्राउन जैसी थी, ताज जैसी थी, इसलिए इसको नाम कोरोना दिया गया। और ये चीन के वुहान से फैला था और वुहान से फैलता आज करीबन इसमें 200 से ज्यादा देश इससे प्रभावित हैं। अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में केवल 30 देश प्रभावित थे, लेकिन आज कोरोना वायरस से जो है करीबन 200 से ज्यादा देश जो है इससे प्रभावित हैं। जैसा कि आपको पता है, विश्व में 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक बीमारी तो होती है, देवी रखा है, एक बीमारी तो होती है आपकी पेंडेमिक, जैसे इसमें वर्तमान में इसको पेंडेमिक कहा गया है। ठीक है, पेंडेमिक का मतलब ये होता है महामारी। ठीक है, तो एक बीमारी तो होती है एंडेमिक, एक होती है एपिडेमिक और एक होती है पेंडेमिक। तो एंडेमिक बीमारी होती है जब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है कोई बीमारी लंबे समय तक रुक जाए या पर्टिकुलर क्षेत्र में वो बीमारी फैल जाए तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं। जैसे हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में कुछ देशों में मलेरिया एंडेमिक है। उससे अगली बीमारी स्टेज होती है एपिडेमिक। एपिडेमिक होती है जब कोई बीमारी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है फैलती है, फिर कुछ लोगों से फैलती है, ग्रुप से फैलती है, फिर उस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेती है, तो एपिडेमिक होती है। लेकिन जब कोई एपिडेमिक बीमारी जो है विश्व स्तर पर फैल जाती है तो फिर हम उसको पेंडेमिक कहते हैं। तो अब वर्तमान में कोरोना वायरस जो है पेंडेमिक बनकर के पूरी दुनिया के अंदर जो है छा गया है, जिससे सारा देश, सारी दुनिया के जो है बड़े बड़े देश इससे प्रभावित हैं। यदि मैं बात करूँ तो करीबन 75,000 के आसपास मौतें हो चुकी हैं और इसमें जो है इटली में 16,000 का आंकड़ा मौत का पार कर गया है। स्पेन में 12,000 से ज़्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, अमेरिका में 10,000 से ज़्यादा कैजुअलिटी हो चुकी हैं, इंग्लैंड में 5,000 से ज़्यादा कैजुअलिटी हो चुकी है और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी जो है इस बीमारी से, कोरोना वायरस से प्रभावित हो गए हैं। चीन में करीबन 3200 के आसपास कैजुअलिटी हुई थी, ईरान में भी 3400-3500 के आसपास कैजुअलिटी हुई थी और अगर मैं भारत की बात करूँ तो वर्तमान में 114 के आसपास जो है भारत में भी लोग इस बीमारी से मारे जा चुके हैं। तो इसको हम एक पूरी इस बीमारी को, कोरोना वायरस को, हम जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के रूप में भी देख रहे हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस होता है पारिस्थितिक संकट। अगर हम सभ्यताओं की बात करें तो दुनिया की बहुत सारी सभ्यताएं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण जो है समय समय पर तबाह होती रही हैं।
तो इस बीमारी के बारे में, इस बीमारी के जो है एक तरह से चार लेवल हैं, चार इसके स्टेज होती हैं, उन चार स्टेजेस का अगर आम आदमी ध्यान रखता है तो ये बीमारी फैलने से रोक सकती है। पहली स्टेज तो होती है कि कोई व्यक्ति हमारे देश में बीमार नहीं है लेकिन वो विदेश से संक्रमित होकर के आया है, तो जैसे ही वो विदेश से देश में आता है, मान लो सपोज मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और ऑस्ट्रेलिया में मैं कोरोना वायरस से संक्रमित होकर के भारत आया, भारत में जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा, एयरपोर्ट पर उतरते ही देश की स्टेज वन शुरू हो जाती है। उसके बाद स्टेज टू होती है जिसको हम लोकल ट्रांसमिशन कहते हैं, मैं अपने घर गया, अपने रिश्तेदारों से मिला, मेरे उस इन्फेक्शन से जो है मेरे परिवार के सदस्य ग्रसित हो गए, फिर दूसरे रिश्तेदार ग्रसित हो गए, उसको हम लोकल ट्रांसमिशन कहते हैं। और जो उसकी थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज जो अभी भारत में नहीं आई है, उसके बारे में मानना ये है कि जब 30% से ज़्यादा लोगों के बारे में ये पता ना चले कि ये लोग कहाँ से इन्फेक्टेड हुए, कहाँ से संक्रमित हुए, तो देश की जो है तीसरी स्टेज शुरू हो जाती है जिसको हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। उसमें मुझे ये नहीं पता लगेगा कि मुझे कहाँ से इन्फेक्शन लगा, मुझे कहाँ से जो है वायरस ने अपनी पकड़ में लिया। तो अभी हमारा देश जो है तीसरी स्टेज में नहीं है। और उसके बाद जो चौथी स्टेज होती है उसको वेंटिलेटर स्टेज कहते हैं, उसमें जो है आदमी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत आ जाती है और उसको जो है गंभीर सांस से संबंधित बीमारी लग जाती है, गले से संबंधित बीमारी लग जाती है, उसके फेफड़ों में जो है सूजन आ जाती है और उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी छाती पर किसी ने जो है किसी तरह से सीमेंट की लेयर बना दी, उसको सांस लेने में बड़ी भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, वो फोर्थ स्टेज होती है। इस फोर्थ स्टेज में जो है कम ही लोग जानते हैं। तो ये बीमारी ने जो है अपने आप में पेंडेमिक बन करके जो है पूरी दुनिया के सामने आई है। अगर हम बात करें तो पिछले 2000 वर्षों में पूरी दुनिया के अंदर करीबन जो है 18 करोड़ 15 लाख लोग महामारियों से जो है मर चुके हैं। और उसमें तीन महामारियां के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक तो जस्टिनियन प्लेग फैला था भारत में, जस्टिनियन प्लेग, उसके बाद दूसरा फैला था ब्लैक डेथ प्लेग, और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 के बाद फैला था स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। तो ये जो तीनों महामारियां थी इसमें 5-5 करोड़ लोग मारे गए थे। तो महामारी इतनी बड़ी होती है, इसका इन्फेक्शन इतने बड़े लेवल पर फैलता है, इसलिए इसका सबसे अच्छा उपाय होता है लॉकडाउन और दूसरा होता है सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन एक्चुअल में क्या होता है, लॉकडाउन होता है पूरी तरह से चीज़ों को लॉक कर देना, पूरी तरह से चीज़ों का रुक जाना। आज मैंने आपको बताया था कि पूरे विश्व में करीबन 450 करोड़ लोग लॉकडाउन हैं, अपने घरों में कैद हैं, क्योंकि लॉकडाउन से क्या होता है कि जो वायरस है इसकी वायरस की चेन जो है ब्रेक हो जाती है और ये बाद में जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन में बदल नहीं पाता और इसकी चेन जो है ब्रेक कर जाती है और आगे बढ़ नहीं पाता। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लॉकडाउन का हम सख्ती से पालन करें। 90 देशों में इस चीज़ का पालन किया जा रहा है, भारत में भी पिछले कई दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, 21 दिनों के लॉकडाउन की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है। तो लॉकडाउन का हम सख्ती से पालन करें, यही इसका सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। अगर हम लॉकडाउन के इतिहास की बात करें तो लॉकडाउन आपको पता है 9/11 के हमले में सबसे पहले अमेरिका ने जो है 3 दिन के लिए लॉकडाउन किया था, और उसके बाद उससे पहले भी बोस्निया चेचेनिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज के दौरान जो है लॉकडाउन होता रहा है। लेकिन विश्व में सबसे बड़ा लॉकडाउन भारत ने किया है, जहाँ 130 करोड़ लोगों को लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में रखा गया है। तो हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। दूसरा एक शब्द इसमें कई बार हमें सुनने में आता है क्वारंटीन। क्वारंटीन एक्चुअल में क्या है, क्वारंटीन होता है कि अपने आप को लोगों से काट लेना कुछ दिन के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि क्वारंटाइन जो है ये इटालियन वर्ड है, ये क्वारंटा जियोनी शब्द से बना है जिसका मतलब होता है 40 दिनों तक। फ्रांस में इटली में जो है करीब 600 साल पहले प्लेग फैला था, तब वहाँ पे जो है क्वारंटाइन शुरू किया गया था। फ्रांस में इसे कार्डन सैनिटेयर कहते हैं, कार्डन सैनिटेयर कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अपने आप को जो है एक जगह कैद कर लेना, और जो है इसमें कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के तहत जो है देश की सीमाएँ जो है प्रतिबंधित कर दी जाती हैं, कोई व्यक्ति दूसरे देश में नहीं जा सकता, दूसरे देश का अपने में नहीं आ सकता, तो उसको हम क्वारंटाइन कहते हैं। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में क्वारंटाइन की पुरानी प्रथा है। आज भी हमारे यहाँ जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है उसमें और उसकी मदर में, जन्मजात में और उसकी माँ को करीबन 10 से 12 दिन तक संक्रमण से बचाने के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। आपने जो है पुरी के मंदिर के बारे में सुना होगा, पुरी में जो है जगन्नाथ भगवान भी वर्ष में हर वर्ष जो है करीबन 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक। ऐसा मानना है कि इन 14 दिनों में भगवान बीमार होते हैं और उनको जो है जड़ी औषधियों का जो है उनको लिक्विड पिलाया जाता है, फिर 14 दिन के बाद वो क्वारंटाइन से वापस आते हैं। तो क्वारंटाइन 14 दिन का ही क्यों है,
अभी जब अगर हम कोरोना वायरस के संदर्भ में बात करें तो क्वारंटाइन 14 दिन का इसलिए है क्योंकि सिम्टम्स जो है 2 से 14 दिनों में पता चलते हैं। तो 2 से 14 दिनों का समय लगता है, कई कई बार इसमें 3 वीक्स का समय भी लग जाता है, लेकिन 2 से 14 दिन में स्थिति क्लियर हो जाती है कि आपको कोरोना वायरस से आप संक्रमित हैं या नहीं है। तो इसलिए 14 दिन का जो है क्वारंटाइन हमें इसका पालन करना चाहिए। अगर कोई क्वारंटाइन के अंदर जाता है या किसी को ऐसा लगता है, इसके जो शुरू के सिम्टम्स होते हैं उसमें होता है हल्की खांसी होना, जिसको सूखी खांसी भी कहते हैं, आपको जो है सिर दर्द की शिकायत होना, या आपके गले में कोई चुभन होना, या आपको सांस लेने में तकलीफ होना, ठीक है, इस तरह की जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो अगर आप में से किसी को होते हैं तो हम अपने आप को खुद सेल्फ क्वारंटाइन कर सकते हैं, तो उससे जो है ये बीमारी फैलने से बच जाती है। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ देखिए डिस्प्ले कर रखी हूँ, डिस्प्ले के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से बीमारी फैलती है। देखिए ये वायरस जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को, इसका जो कोरोना वायरस है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म को हाइजेक कर लेता है और कोशिकाओं को, सेल्स को धीरे धीरे जो है इन्फेक्ट करता जाता है, संक्रमित करता जाता है और अपनी संख्या बढ़ाता जाता है। और उसका फिर परिणाम क्या होता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, हमारा दम घुटने लगता है, हमारे फेफड़ों में जो है स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है। तो उस तरह से फिर हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो इस वायरस से सावधानी के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए मैंने अपने हाथ में ये पहन रखे हैं, ग्लव्स पहन रखे हैं, इनसे वन टाइम यूज़ ग्लव्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं तो हाथों में कम से कम इन्फेक्शन होता है, इनको 2-4 घंटे यूज़ करने के बाद वन टाइम यूज़ होते हैं, इनको वापस फेंका जा सकता है। देखिए यहाँ मैंने बताया वुहान से ये बीमारी फैली थी और वुहान में अपने आप ही जो है कोरोना वायरस से बचने के उपाय छिपे हुए हैं। W का मतलब होता है हैंड वॉश हैंड्स, U का मतलब होता है यूज मास्क प्रॉपरली, H का मतलब होता हैव टेम्परेचर चेक्ड रेगुलरली, A का मतलब होता है अवॉइड लार्ज क्राउड, N का मतलब होता है नेवर टच फेस विदाउट अनक्लीन हैंड्स। तो वुहान में अपने आप ही कोरोना वायरस से बचाव के बारे में बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी 0 पेशेंट की पहचान हो चुकी है, जो चीन की महिला है वेई गुजियान में सबसे पहले जो है इस महामारी के लक्षण देखे गए थे। 0 पेशेंट हम उसको कहते हैं जिसमें सबसे पहले किसी महामारी या बीमारी के लक्षण दिखे जाते हैं। तो 57 वर्षीय महिला है ये चीन की, और ये जो फूड मार्केट थी वहाँ, उस फूड मार्केट में जो है ये झींगा मछली बेचने का कार्य करती थी, वहाँ से इन्फेक्शन की शुरुआत हुई थी और फैलता आज इसने जो है 200 देशों को अपने जाल में फंसा लिए। और अब तो सरकारों ने सख्ती से जो है लॉकडाउन का अमल कराने के लिए, क्योंकि इसका एकमात्र उपाय ही लॉकडाउन है, इसकी अगर संक्रमण की चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन का हमें सख्ती से पालन करना पड़ेगा। जो है अरब के कई देशों में, सऊदी अरब में तो 1 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है जो व्यक्ति लॉकडाउन को तोड़ता है। कई कंट्रीज में जो है क्वारंटाइन का पेशेंट अगर घर से बाहर आ जाता है या क्वारंटाइन के नियमों को तोड़ते तो देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। अब इसमें इटली के अंदर जो है 4 करोड़ रुपये का इसमें जो है 4 लाख रुपए का इसमें पनिशमेंट है, रशिया के अंदर 7 ईयर्स का पनिशमेंट है, कई कंट्रीज में 1.5 लाख रुपए का पनिशमेंट है। क्योंकि इसका अगर हम सख्ती से पालन नहीं कराएंगे तो बीमारी जो है बहुत स्पीड से फैल सकती है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर हो जाए, इसकी थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, इससे बहुत सारे लोग मर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, पहले भी जो पेंडेमिक्स आती रही है, महामारी आती रही है, उनमें बहुत सारे लोग मरे, 5-5 करोड़ लोग एक बारी में मरे हैं, जैसे स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की हम बात करते हैं। तो इसलिए इसमें सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये देखिए कोरोना वायरस के बचाव के लिए जो है हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इससे संबंधित एडवाइजरी जारी की थी। उसमें इन्होंने एक बड़ी अच्छी अच्छी बात कही थी कि अपने चेहरे को बार बार ना छूएं। अपने चेहरे को बार बार क्यों ना छूएं, क्योंकि हमारे हाथों में बैक्टीरिया जो है कई घंटे तक रहते हैं, 2 घंटे के आसपास रहते हैं, और जब हम इन हाथों को अपने कहीं भी खासतौर से इसके ऊपर रखेंगे, इन्फेक्शन यहाँ होता है, ठीक है ना, इन्फेक्शन यहाँ इतने पोर्शन से होता है और यहाँ तक रहता है इन्फेक्शन भी। तो इस इन्फेक्शन को जो है कहीं भी कोई इससे हमारा मुंह टच करेगा, नाक टच करेगा, आँख टच करेगी, तो उससे जो है इन्फेक्शन जाने की संभावना रहती है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों से कैंपेन भी चलाया जा रहा है कि 20 सेकेंड तक लगातार हाथों को धोएं। 20 सेकेंड के पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है, आपको पता होना चाहिए, जब माइक्रोस्कोप के नीचे कोरोना वायरस को देखा गया तो एक पतली सी जो है चिकनी लेयर के अंदर ये जो है लिपटा हुआ है, और चिकनी लेयर जो है जब हम सिंपल
पानी से हाथ धोते हैं तो चिकनी लेयर पर से पानी ऐसे निकल जाता है, तो इसलिए उसको साबुन से या हैंड वॉश से हाथ धोते हैं 20 सेकंड तक। 20 सेकंड से धोने से फायदा क्या होता है, वो जो चिकनी लेयर होती है वो ब्रेक कर जाती है, फट जाती है। और कोरोना आपको पता है सरकार ने एक कैंपेन भी चला रखा है कि आप जो है 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं, तो इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। 20 सेकंड तक ही हाथों को क्यों धोएं, 10 सेकंड तक क्यों नहीं, आधा घंटा तक क्यों नहीं, उसके पीछे भी एक कारण है कि जब इस कोरोना वायरस को कोविड-19 को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो इसके चारों तरफ एक चिकनी सी लेयर है, एक थैली में लिपटा हुआ है वायरस। जब हम सिंपल पानी से हाथ धोते हैं, बिना साबुन के हाथ धोते हैं, बिना किसी सैनिटाइजर के या बिना किसी हैंड वॉश के हाथ धोते हैं, तो सिंपल पानी जो है उस चिकनी थैली पर से ऐसे निकल जाता है और वो जो चिकनी लेयर है वो फट नहीं पाती जिसमें वायरस कैद है, जिसमें वायरस सुरक्षित है। तो जब हम हैंड वॉश से हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं, 20 सेकंड तक जब हम हाथ धोते हैं तो चिकनी लेयर फट जाती है और वो वायरस जो है 20 सेकंड में मर जाता है। अब तो 20 सेकंड तक हमें हाथ धोने के कई स्टेप्स हैं, अगर आप उन स्टेप्स का प्रयोग करते हैं तो 20 सेकंड आपके हाथ में लग जाते हैं। जैसे आपने सैनिटाइजर इस पर डाला, उसके बाद आपने इसको ऐसे किया, यहाँ से ऐसे किया, फिर आपने हाथ को यहाँ से किया, यहाँ से किया, ऐसे किया, फिर थम्स की तरफ से आप इसको ऐसे करते रहे, फिर आपने रिस्ट की तरफ से मसलना शुरू किया, फिर उसको ऐसे ऐसे करके, इस सारे प्रोसेस में 20 सेकंड का समय लगता है। और 20 सेकंड में अगर आपके हाथों में कहीं पर भी कोरोना वायरस है या इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन जो है उस चिकनी लेयर फट जाती है और उसमें जो कोरोना वायरस होता है वो मर जाता है। तो इस तरह से जो है अगर हम इन छोटी छोटी सावधानी पर ध्यान रखते हैं तो हम इस कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने को भी और समाज को भी बचा सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस कोरोना वायरस के संबंध में नई अपडेट कुछ भी नहीं है। अलग अलग जो अपडेट्स आप देख रहे हैं ये सारे पुराने जो वायरस फैले थे, क्योंकि ये जो है सार्स और मर्स जो वायरस थे उस फैमिली का ये पांचवा वायरस है। सार्स फैला था 2003 में, ये भी चमगादड़ से फैला था, बैट से ही इन्फेक्शन हुआ था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये 2003 में फैला था। और मर्स फैला था मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये 2012 में फैला था, तो ये इसी फैमिली का पांचवा वायरस है। तो अभी जो भी कुछ प्रिडिक्शन की जा रही है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, ये एक्चुअल हमारे पास जो पिछली हिस्ट्री है सार्स मर्स की, इस फैमिली के जो दूसरे वायरस की हिस्ट्री है उसी के बिहाफ पे हम कोई घोषणा कर पा रहे हैं। नई हमारे पास ऐसी कोई अभी तक इसके बारे में अपडेट्स तैयार नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो जिन देशों में BCG का टीका लगता है, BCG आप समझते हैं ना, बेसिलस कैलमेट गोयरिन, ये हमारे देश में जो है जन्म से लेकर के 6 महीने तक के बच्चे को लगता है और ये जो है सांस के संक्रमण से रक्षा करता है, TB से रक्षा करता है। तो एक रिसर्च ये भी आ रहा है कि जिन देशों में BCG का टीका नहीं लगता है वहाँ पे इसके संक्रमण की ज़्यादा संभावना होती है, जैसे अमेरिका है, इटली है, नीदरलैंड है, लेबनान है, बेल्जियम है, ये कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ अभी तक BCG का टीका नहीं लगा है। हमारे देश में जो है 1947 से टीका लगता आ रहा है। तो ये भी अपने आप में एक शोध का विषय है, अभी हम इस पर प्रमाणिक रूप से कुछ नहीं कह सकते। बेसिकली एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो ड्रॉपलेट्स के जरिए जो है इन्फेक्टेड करता है किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से किसी हेल्दी व्यक्ति को। अभी एक रिसर्च ये भी आ रही है कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं उनमें इन्फेक्शन की संभावना कम देखी जा रही है, जो ए ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनमें इन्फेक्शन की ज़्यादा संभावना है। तो ये सारे अभी रिसर्च के विषय हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है मेल में जो है 74% चांसेस ज़्यादा होते हैं फीमेल के कोरोना संक्रमित होने के। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे जो है रिसर्च का विषय है, अभी इनमें कोई अपडेट्स नहीं आ पा रही है। दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो 2003 में सार्स फैला था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो भी चमगादड़ से फैला था, बैट से फैला था, और ये भी आपको पता है बैट से ही फैला है। 2007 में एक जो है क्लिनिकल बायोलॉजिकल रिव्यू छपा था जिसमें हांगकॉन्ग यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने मिलकर के एक रिसर्च पेपर छापा था। उसमें आया भी था कि जो है चाइना जो है एक वायरस के एटम बॉम्ब पे बैठा है, और साउथ चाइना में जहाँ ये वुहान है, साउथ चाइना में जो है वहाँ पे होर्शू नाम का एक चमगादड़ पाया जाता है, होर्शू नाम का बैट पाया जाता है, वहाँ के लोग उसका सूप बना करके पीते हैं। तो साइंटिस्ट ने, जो चाइनीज साइंटिस्ट था, उसने बताया भी था कि होर्शू बैट का जो ये यहाँ के चाइनीज लोग सूप पीते हैं, ये कभी ना कभी जो है वायरस एटम बॉम्ब के रूप में ब्लास्ट होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि होर्शू चमगादड़ से ही जो है ये बीमारी फैलने के संकेत मिले हैं, जो वुहान में आया, वुहान में फिर एक महिला
यहाँ से फैला, महिला से जो है इसने 200 से ज़्यादा देशों को घेर लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम इन चीज़ों का सावधानी रखते हैं, थोड़ी बहुत हिस्ट्री का ध्यान रखते हैं, तो उससे हम इसके इससे रिलेटेड जो रूट कॉज हैं, इससे संबंधित जो बीमारियाँ हैं, इससे संबंधित जो साइड इफेक्ट्स हैं, उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ कह रहे हैं पानी से भी फैलता है, कुछ कहते हैं सर्दियों में दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो ये सारे अभी शोध के विषय, इसमें अभी पूरे तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी तो केवल हमें केवल इतना ध्यान रखना है जो सरकार ने हमें हिदायतें दी हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो हमें हिदायतें दी हैं, हमें उनका पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, अपने आप को जो है अगर कोई क्वारंटाइन होता है तो क्वारंटाइन का पालन करना है, हमें जो है लॉकडाउन का पालन करना है, अपने हाथों को हर 2 घंटे के बाद धोते रहना है। और एक सवाल और भी आ रहा है कि हम जो है मास्क मुंह पे कैसा पहने कैसा ना पहने, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि N95 जो मास्क होता है वो केवल उन्हीं के लिए होता है जो लोग कोरोना पेशेंट हैं या जो कोरोना पेशेंट की तीमारदारी कर रहे हैं। आम आदमी को सिंपल मास्क नहीं चलेगा, क्योंकि मास्क ढकना इसलिए ज़रूरी है ताकि कहीं पर भी कोई ड्रॉपलेट्स हवा में हो या 1-1.5 मीटर में हो तो वो ड्रॉपलेट्स आपको प्रभावित ना करें। जैसे मैं सिंपल ये 2 मास्क आपको दिखाना चाहूँगा, ये 1 टाइम मास्क है। जब भी आप बाहर जाते हैं 2-3 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, तो आप इस 1 टाइम मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आने के बाद आप इसको उतार करके किसी कवर्ड डस्टबिन में, कवर्ड ढक्कन वाले डस्टबिन में डाल सकते हैं। ये आपका जो है कपड़े का मास्क है, ये वॉशेबल मास्क है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर रोज़ आप इसको धो सकते हैं गर्म पानी में, और इसको धूप में सुखा करके फिर दोबारा से ये रीयूज हो जाता है। तो इस तरह से सिंपल आपका मास्क भी चल सकता है, आपको N95 मास्क की कोई जरूरत नहीं, वो भी आपको जब ही जरूरी है जब आप घर से बाहर जाएं, घर में इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर ये भी आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास, आपको पता है हैंकी सबके पास होता है, आप साफ सा हैंकी लें, इसको ऐसे करके नाक पे बांध लें, इस हिस्से को नीचे कर लें, और जब भी आप बाहर जाते हैं तो इसको बांध के जाएं, जब आते हैं तो इसको आ करके जो है पानी में डाल दें। तो इस तरह से ये और भी आसान तरीका है। तो इस तरीके से जो है हम छोटी छोटी सावधानियां रख करके अपने आप को बचा सकते हैं, सोसाइटी को बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। क्योंकि अभी ये वायरस जो है नया है, इसके बारे में अभी शोध चल रहा है, कुछ भी इसके बारे में पक्का नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए हमें जो है इसका ध्यान रखना पड़ेगा, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा। और मैं इस वीडियो के अंत में आप सबके सबको एक शपथ में शामिल करूंगा, और आप मेरे साथ वो मन ही मन शपथ बोलेंगे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। मैं लोकेश कौशिक, भारत का नागरिक होने के नाते संविधान और ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करूंगा। यदि मुझे क्वारंटाइन किया जाता है तो मैं क्वारंटाइन के नियमों का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सत्यनिष्ठा से पालन करूंगा। मैं कोरोना का बेलगाम वायरस बनकर यहाँ वहाँ इस बीमारी को नहीं फैलाऊंगा। मैं कोरोना का अपराधी बनकर इस महामारी के इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं कराना चाहूँगा। मैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन की कोई भी परिस्थिति पैदा नहीं होने दूंगा। मैं भारत सरकार और हेल्थ मंत्रालय द्वारा जो समय समय पर हेल्थ एडवाइजरी जारी की जाएगी, उसका देश का नागरिक होने के नाते सत्यनिष्ठा से अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हुए उसका पालन करूंगा। जय हिंद।